जैसे मदरबोर्ड OEM के आते हैं, तो HP 280, G2, G3, G1 में ज़्यादातर से इशू आते हैं। देखिए यहाँ पे 00 आएगा, डिस्प्ले नहीं आएगा, तो इसका बिहाइंड द सीन होता क्या है, इशू क्या आता है, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये काफ़ी रिसर्च के बाद हमने एक चीज़ एनालाइज़ किया है कि जैसे आप देखोगे ये VRM सेक्शन, आप कोर IC पे काम करते रहोगे, बदलते रहोगे, इसको चिप को चेंज कर दोगे, इसको जो PWM सर्किट इसके सपोर्टिंग है, जैसे कि इनको सप्लाई देते हैं, कॉइल्स लगे होते हैं, कोर सप्लाई, ठीक है, तो ये क्या होता है कि इसमें कोई फॉल्ट नहीं होता है। मैं आपको इस चीज़ बताना, लाइव प्रैक्टिकल देखिए, अभी मैं बंद करता हूँ, ये कोई भी रैम वगैरह सब कुछ कनेक्शन लग रखा है, तो एक बार मैं आपको माउंट करके दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पे विस्तृत देखेंगे यार, तो मैं स्टैंड लगा लेता हूँ, तो लास्ट तक वीडियो देखिए। मैं डिस्प्ले, नो डिस्प्ले का सोल्यूशन है, तो नो डिस्प्ले सोल्यूशन कैसे करते हैं, तो सिंपल आपको क्या करना है, एक बार मैं बोर्ड को जूम करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे दो कुछ पीले पीले से इसमें कैपेसिटर लगे होते हैं, तो ये वाला कैपेसिटर पहले दो निकालिए। कई बार ये अगर एक कार्बन ऐसे रस्ट लग जाए, ऐसे काले काले से हो जाए, तो आप देख लेना कि उसके मतलब ये ख़राब होने के चांसेज हैं, ठीक है, तो इनको आपको निकालना है, ठीक है। सबसे पहले इनको निकाल लीजिए, ज़्यादातर से यही ख़राब हो जाते हैं इनमें, जिसके वजह से DC को ब्लॉक नहीं कर पाता है। ओके, अब ऑन करके देखते हैं, हमारा जो 00, ये वाली 3 LED जल रही थी, ये वाली LED नहीं जल रही थी और कोई बीप नहीं आ रहा था। देखिए बीप भी आ चुका है और ये वाली LED भी जल चुकी है, पहले नहीं जल रहा था, ठीक है, तो देख सकते हैं खुद ही, अब बीप भी आ चुकी है, देखिए पहले कुछ भी नहीं आ रहा था। अब बंद करके देखेंगे, आप ऐसे कर देंगे तुरंत आपका डिस्प्ले भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इस वाले फिल्टर को आप ज़रूर लगाइए, जो कंपोनेंट आप दो निकाल रहे हैं, कोई भी किसी मदरबोर्ड से सेम साइज़ का निकाल के आप लगा सकते हैं, आपका जो प्रॉब्लम है वो 99% सॉल्व, 99% 100% सॉल्व हो जाएगा और आपका बोर्ड भी चल जाएगा, PC भी चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस पे लगाया, तो लेकिन इसको कंफर्मेशन के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वाला हम कार्ड लगाएंगे, अगर कभी डिस्प्ले ना आए तो हम क्या करेंगे, उन दोनों कैपेसिटरों को लगाएंगे, ठीक है। 86 आ चुका है, तो हो सकता है हमारा ये वाला रैम ख़राब हो, ठीक है, तो हम इस स्टैंड को हटाते हुए देखिए, नहीं डिस्प्ले भी हमारा आ चुका है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली, ठीक है, Core i5। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा, और ऐसे तमाम वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।